देखो भाई लोग, इंडिया के दो ओजी एक्टर एक साथ आ रहे हैं, वो भी 35 साल के बाद। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की एक मूवी आ रही है बेत्यन, जो कि 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। और अमिताभ बच्चन और रजनीकांत 35 साल के बाद वापस आ रहे हैं। और इन लोगों की लास्ट मूवी थी हम, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी। पिछली बार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत एक साथ आई थी तो वो मूवी उतनी नहीं चली थी, मतलब फ्लॉप हो गई थी। पर इस बार मामला कुछ अलग ही लग रहा है। रजनीकांत की पिछली मूवी जेलर ने 600 करोड़ का कलेक्शन किया था, और इस मूवी में तो रजनीकांत और अमिताभ बच्चन एक साथ आ रहे हैं, पर एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के अपोजिट। इस मूवी में अपने रजनीकांत एक पुलिस वाला का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होगा। और रजनीकांत इतने सारे इनकाउंटर करेंगे इस मूवी में कि उसके ऊपर ही खुद इंक्वायरी बैठ जाएगी, और उस इंक्वायरी को लीड करेंगे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। बेत्यन मूवी के कास्ट और भी ज्यादा मजेदार है। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहाद फासिल और राणा दग्गुबाति, और भी काफी सारे एक्टर है इस मूवी में जो कि काफी अच्छा काम करते हैं। बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर काफी ज्यादा मजेदार है, और इस ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका बीजीएम। अनिरुद्ध ने ही इसका बीजीएम दिया है, और वो जिस तरह से जेलर में बीजीएम दिया था और उसी तरह से आग लगा देने वाली बीजीएम इस ट्रेलर में भी है। इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ दिखाया गया नहीं है मूवी के स्टोरी के बारे में, पर इस ट्रेलर में सिर्फ मेनली फोकस किया गया है इसके कास्ट के ऊपर। बाकी इस मूवी का मेन बाल तो हमने इस मूवी के प्रीव्यू में ही देख लिया है, पर इस बार लगता है कि फिर से रजनीकांत पिछले मूवी की तरह जादू क्रिएट करने वाले इस मूवी में। मूवी की अगर स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो जितना ट्रेलर से हमें पता चला है कि एक शहर है जिसमें काफी सारे क्राइम हो रहे हैं, और काफी बड़े बड़े वाले क्राइम, और पुलिस उस मुजरिम को पकड़ने में नाकामयाब हो रहे है, जिसके कारण रजनीकांत सर के कैरेक्टर को इस शहर बुलाया जाएगा क्रिमिनल का खात्मा करने के लिए, मतलब इनकाउंटर करने के लिए। पर अपने रजनीकांत का कैरेक्टर होंगे थोड़े ग्रे टाइप की, मतलब थोड़े सटेला टाइप, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में भी इनकाउंटर कर देता होगा, और जिसके कारण इनके ऊपर बैठेगी इंक्वायरी, और उस इंक्वायरी को लीड करेंगे अपने बिग बी। और इन सब के बीच में हमें बिग बी वर्सेस अमिताभ बच्चन देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफी सालों के बाद, अराउंड 35 सालों के बाद ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक स्क्रीन शेयर करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और एक और चीज इस मूवी के बारे में इंटरेस्टिंग है कि इसका बजट, मूवी में काफी बड़े बड़े कास्ट है जिसके कारण इस मूवी का बजट भी बढ़कर 160 करोड़ बताया जा रहा है इंटरनेट पर। और ऑब्वियसली ये मूवी अपना बजट तो कुछ ही दिनों में ही रिकवर कर लेगी, पर नॉर्थ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके अगले ही दिन बॉलीवुड की दो मूवी रिलीज हो रही है, एक आलिया भट्ट की जिगरा और एक राजकुमार राव की मूवी विक्की विद्या की वो वाला वीडियो। और दोनों मूवी का ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा है। कॉम्पिटिशन तो होगा नॉर्थ में, पर देखना ये होगा कि इस कॉम्पिटिशन का विजेता कौन बनता है। और मूवी का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है पता है, इस मूवी का डायरेक्टर, इस मूवी को डायरेक्ट किया है टीजी ने, जो कि इससे पहले सूर्या के साथ जय भीम मूवी बनाई है। और अगर तुमने जय भीम मूवी नहीं देखी है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जाओ एक बार देखो और तुम्हें पता चलेगा कि ये डायरेक्टर क्या कर सकते हैं। और इतने सारे बड़े बड़े कास्ट, इस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध है, कास्ट काफी ओजी कास्ट है, और साथ में ये डायरेक्टर, भाई इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।